वो गांव जिसे अमेरिका ने समझ लिया था मिसाइल गोदाम, बाहरी लोगों का यहां घर में घुसना है मना। ये दुनिया रंग बिरंगी है, आप किसी भी देश में घूमने निकल जाएं, हमें हैरान करने वाले तमाम छोटे बड़े अजूबे मिल जाते हैं। चीन को ही ले लीजिए, चीन के पूर्वी इलाके में स्थित फुजियान प्रांत में ऐसे ही अजूबे जंगलों और पहाड़ों के बीच छुपे हुए हैं। ये अजूबे हैं मिट्टी के बने किले, जिन्हें स्थानीय भाषा में टुलो कहा जाता है। टुलो का मतलब होता है मिट्टी की बनी इमारतें। ये कोई आम इमारतें नहीं है, असल में ये विशाल किले हैं, जिनके भीतर बस्तियां आबाद हैं। हर इमारत के अंदर कई कई मोहल्ले बसे हुए हैं। बाहर से देखने पर कोई भी टुलो आपको आम मिट्टी की इमारत जैसा ही लगेगा, मगर अंदर घुसने पर हमें पता चलता है कि ये तो किले जैसा है। अंदर मोहल्ले के मोहल्ले बसे हुए हैं, पूरी जिंदगी इन्हीं के भीतर गुजरती है। आमतौर पर टुलो एक आंगन के इर्द गिर्द बनाया जाता है। इसके चारों तरफ घेरे बंदी जैसी करके 3 से 4 मंजिला इमारत खड़ी की जाती है। बाहर से ये बेहद मजबूत होते हैं, किसी खतरे की सूरत में यह मजबूत दीवारें भीतर रहने वाले लोगों की सुरक्षा करती हैं। इन शानदार इमारतों के भीतर आबाद लोग इन दीवारों के अंदर खुद को और अपनी परंपरा को महफूज रखते आए हैं। बाहरी दुनिया के लोगों का इनके भीतर जाना मना था। टुलों के अंदर जाने पर आपको कतार से बने लकड़ी के बने कमरे मिलेंगे। आमतौर पर ग्राउंड फ्लोर पर किचन बने होते हैं। इनके ऊपर की मंजिल पर अनाज रखने का इंतजाम होता है। इनके ऊपर की 2 मंजिलें बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। सैकड़ों सालों से यहाँ लोग रह रहे हैं। शीत युद्ध के दौरान इन किलों को अमेरिका ने मिसाइल सिलो समझ लिया था, जहाँ मिसाइलें छुपाकर रखी गई थीं। बाद में जाकर इनकी सच्चाई दुनिया को पता चली। इन टुलों को 16वीं से 20वीं सदी के बीच बनाया गया था। 2008 में यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। जब चीन में आर्थिक सुधार शुरू किए तो इन टुलों में रहने वाले बहुत से लोग शहरों में जाकर बस गए। ये शानदार इमारतें वीरान होने लगी थीं, मगर जैसे जैसे तरक्की हुई और इनकी शोहरत दूर दराज तक फैली, यहाँ सैलानियों का आना शुरू हुआ।